हेलो गाइस, आज हम क्लास टेंथ का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भोली, जो कि के ए अब्बास जी ने लिखा है, जो कि एक राइटर है। ठीक है, सबसे पहले इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में जानते हैं। भोली एंड सुलेखा, सुलेखा का जो निकनेम है वो है भोली, और दोनों ये एक ही कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट है रामलाल, यानी कि भोली के पिता। रामलाल के कितने चिल्ड्रन हैं? 7 चिल्ड्रन हैं, जिसमें से 3 तो हैं बेटे और 4 हैं लड़कियां। फिर है भोली की मदर और उसकी टीचर एंड बिसंबर। स्टोरी शुरू होती है भोली से। तो भोली जब बचपन में, जब 10th मंथ की होती है, 10 महीने की, तो वो अपनी चारपाई से खटिए से गिर जाती है और उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो स्लो लर्निंग करते हैं, स्लो लर्निंग प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हर कोई उसे क्या बुलाता है, एवरीवन कॉल्ड हर भोली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भोली होती है और स्लो लर्निंग प्रोसेस होता है उसका। और जब वो दो ईयर की होती है, 2 ईयर्स की, तो उसे क्या हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है। और जब वो स्मॉल पॉक्स उसके ख़त्म होते हैं तो लीव्स पॉक मार्क ऑन इंटायर बॉडी, और उसके पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, पॉक मार्क के दाग धब्बे हो जाते हैं पूरे शरीर में। और जब वो 5 साल की होती है तब वो थोड़ी बहुत बोलना सीखती है फर्स्ट टाइम, और वो क्या करती है, सी स्टैमर्ड, वो थोड़ी बहुत हकलाती है। एवरीवन मेड फन ऑफ हर, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। क्यों? क्योंकि वो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी थोड़ी बहुत। इवन हर पेरेंट्स टुक हर जस्ट एन अगली बर्डन, उसके पेरेंट्स भी यही मानते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा अगली बर्डन है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसके पॉक मार्क हो गए थे तो इंटायर बॉडी में थे, और वो स्टैमर भी करती थी, तो उसके पेरेंट्स उसे अगली बर्डन कहते थे कि ये वो हमारे लिए अगली बर्डन है। भोली गोज टू स्कूल, जब क्या होता है, भोली के गांव में, विलेज में, जब तहसीलदार कम टू इनोग्रेट प्राइमरी स्कूल, जब पहली बार प्राइमरी स्कूल बनता है वहाँ पे और उसका इनोग्रेशन होता है, तो तहसीलदार रामलाल से कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी बेटी को भेजो, तभी गांव के दूसरे लोग भी क्या करेंगे, अपनी अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे। रामलाल वाइफ सैड नो वन मैरिड इफ सी गोइंग टू स्कूल, तो उसकी जो रामलाल की जो वाइफ होती है वो बताती है कि अगर हम भोली को स्कूल में भेजते हैं तो क्या होगा कि उससे कोई भी क्या नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। फिर वो थोड़ी सोचते हैं कि आफ्टर फेल्ड भोली अगली लुक एंड डिफिकल्ट टू गेट मैरिड, सो दे डिसाइडेड टू सेंड स्कूल, कि उसका जो अगली लुक है बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखती है क्योंकि पोर्ट मार्क थे उसके पूरी इंटायर बॉडी में, तो ये सोचते हैं कि अगर भोली स्कूल जाएगी और थोड़ी पढ़ लिख जाएगी तो शायद उसकी मैरिज या वेडिंग हो भी जाए, किसी से शादी हो। भोली प्रिपेयर फॉर स्कूल, फियर टू गोइंग स्कूल बिकॉज सी रिमेंबर लक्ष्मी काव इंसिडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा डरती है, वो अपने पेरेंट्स के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है। क्यों? क्योंकि वो डरती है कि एक दो हफ्ते पहले हमारी जो लक्ष्मी जो गाय थी उसको भी मेरे फादर ले गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आई है। सी वॉज गिवन अ बाथ हेयर ऑयल, और फिर भोली को नहलाया जाता है, उसके बालों पे तेल लगाया जाता है, उसको रेडी किया जाता है। क्लोथ ऑफ चंपा फेडी ड्रेस बट नीट एंड क्लीन, उसको क्लोज देते हैं जो कि चंपा उसकी जो सिस्टर होती है भोली से बड़ी, उसके होते हैं वो कपड़े और वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, फेडेड कलर के, उनका रंग जा चुका है, बट नीट एंड क्लीन, बट वो साफ और सुथरा होते हैं वो कपड़े। सी फेल्ट बेटर एंड थिंक स्कूल नाइस प्लेस, वो पहली बार सोचते हैं कि यार मेरे घर वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि स्कूल कोई अच्छी जगह है क्योंकि मुझे नहलाया भी जा रहा है, धुलाया भी जा रहा है और मुझे ड्रेस भी पहनाई जा रही है। ऑल दिस टाइप्स ऑफ मच केयर ऑफ हर, इससे पहले इतनी खुशी उसे कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा केयर कौन कर रहे थे, उसके पेरेंट्स कर रहे थे। रामलाल होल्ड हर हैंड्स एंड सेंड टू स्कूल ऑफ हेड टीचर, क्या करते हैं रामलाल उसका हाथ पकड़ते हैं और स्कूल की तरफ उसको छोड़ आते हैं, हेड टीचर के हवाले कर देते हैं। जब भोली के फादर उसे स्कूल में छोड़ने चले जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, तो फर्स्ट डे एट स्कूल उसका कैसा जाता है देखते हैं, कि भोली सी दी क्लास फुल ऑफ गर्ल्स लाइक हर एज एंड सी माइट बी फ्रेंड्स, बताती है कि भोली बताती है कि पूरी की पूरी क्लास किससे भरी हुई थी, पूरी पूरी क्लास में गर्ल्स ही गर्ल्स थी, और वो ये भी सोच रही थी कि उसकी एज की है तो मे बी वो हो सकते हैं उसकी क्या बन जाए, फ्रेंड्स बन जाए। अफ्रेड एंड सीट इन कॉर्नर, वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी क्योंकि वो पहली बार स्कूल गई थी और एक कॉर्नर पर जाकर के चुपचाप बैठ जाती है। सी अट्रैक्टेड ऑफ वॉल्स एंड कलरफुल पिक्चर्स एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है किस चीज़ से, जो
पिक्चर्स बनी होती है कहाँ पे, वॉल्स में वो देखती है कि किस किस चीज की पिक्चर्स बनी हुई है, बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है, और जो उसे जो घोड़ा जो हॉर्स है जो दीवार में बना हुआ दिखाई दे रहा है वो कैसे लग रहा है, जैसे तहसीलदार का घोड़ा हो, और जो गाय है वो ऐसी लग रही है जैसे उसकी खुद की गाय हो लक्ष्मी, और पैरट ऐसा लगता है कि जैसे पैरट हो, और गॉड यानी कि जो बकरी है वो ऐसे लगती है कि जैसे उसकी किसकी हो, पड़ोसी की हो। टीचर आस्क हर नेम, उससे टीचर अचानक से आ जाती है और उसका नाम पूछती है, तो भोली स्टैमर करते हुए बोलती है, अपना नाम बताने की कोशिश करती है भोभू भोली, लेकिन वो नहीं बता पाती और रोने लगती है, और अदर जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करने लगते हैं, उस पर लाफ करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। आफ्टर बैल ऑल गर्ल्स गो आउट एंड टीचर आस्क लविंगली, सभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं, कब, जब बैल बज जाती है और भोली वहीं पर रहती है, तब भोली की जो टीचर है वो प्यार से आती है और उससे प्यार से नाम पूछती है, भोली एबल टू स्पीक द नेम, और दूसरी बार जब वो उसका नाम पूछती है तो भोली आराम से अपना नाम बता पाती है, और भोली की टीचर उसे क्या बोलती है, भोली को, यू विल लर्न मोर देन एनी वन एल्स इन द विलेज, तुम सबसे ज़्यादा पढ़ो जितने की कोई भी विलेज में ना पढ़ो, देन नो वन विल लाफ एट यू, तब कोई भी तुम पे क्या नहीं करेगा, हंसेगा नहीं, पीपल लिसन यू विद रिस्पेक्ट, लोग आपको किससे सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, आदर से सुनेंगे, एंड यू स्पीक विदाउट स्टैमर, और फिर तुम बिना हड़बड़ाए या बिना हकलाए क्या करोगे, बोल पाओगे। टीचर एनकरेज हर एंड भोली स्पीक फियरलेस, टीचर उसको क्या कर रही थी, इनकरेज कर रही थी किस चीज के लिए, ताकि वो हिचकिचाहट के साथ बोले ना और अच्छे से बोल पाए, फियरलेस। भोली आल्सो टोल्ड हर टू कम टू स्कूल टुमोरो, भोली बताती है कि मैं कल भी क्या करूँगी, स्कूल आऊँगी, फिर टीचर बोलती है कि हाँ आना, टीचर गिव्स नाउ न्यू पिक्चर बुक, वो बताती है कि कल उसे क्या मिलेगी, नई नई बुक्स मिलेंगी और उसमें क्या होंगे, पिक्चर होंगी और काफ़ी सारे अल्फाबेट्स होंगे। भोली फेल्ट न्यू लाइफ वॉज बिगनिंग फॉर हर, और जब वो घर की तरफ जा रही होती है तो उसे लगता है कि ये जो मेरी लाइफ की यहाँ से क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है, ये मेरी जिंदगी की नई होप है, नई उम्मीद है, क्यों, क्योंकि इतने ज़्यादा प्यार से उसके साथ कोई ट्रीट नहीं आता था, फर्स्ट टाइम किसी ने क्या किया था उसको, इतने अच्छे से पोलाइटली वे में बात की थी किसी ने, और वो कौन थे, उसकी टीचर थे। स्टोरी में ये बताया जाता है कि जब भोली बड़ी हो जाती है तो उसके लिए एक रिश्ता तैयार किया जाता है, अ मैच फॉर भोली, तो जब भोली पेरेंट्स गेट अ मैरिज प्रपोजल, भोली के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक प्रपोजल लेके आते हैं, किसके लिए, भोली के लिए, लेकिन जो रामलाल है ना, रामलाल नॉट हैप्पी बिकॉज विशंबर एज इज सो ओल्ड, यानी कि जो उसका जो वर होता है जिसका नाम विशंबर होता है, उसकी जो एज होती है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होती है। मदर सेज भोली अगली एंड पोक मार प्रपोजल गुड फॉर हर, तो जो मदर होती है वो ये बोलती है कि भोली के लिए यही सही वर है, क्यों, क्योंकि अगर ये वर नहीं हुआ तो इसकी शादी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी बेटी है उसके पूरे बॉडी में क्या है, पॉक मार्ड हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं, उससे कोई शादी नहीं करेगा, उसके लिए यही एक अच्छा ऑप्शन है। रामलाल वांट्स टू नो हाउ भोली फेल्ट, रामलाल ये जानता था कि भोली क्या महसूस करती होगी इसके बारे में, कि भाई प्रपोजल कैसा रहा, अबाउट हर प्रपोजल बट हर मदर रिफ्यूज टू आस्क भोली अबाउट इट, बट जो उसकी जो मदर होती है वो रिफ्यूज कर देती है कि भोली से क्या करना है, पूछ करके उसकी शादी तो करनी ही है। भोली फेल्ट दैट हर पेरेंट्स आर वरीड अबाउट, भोली भी ये महसूस करती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वरीड है उसकी शादी को लेकर, हर वेडिंग सो भोली रेडी फॉर मैरिज, इसलिए जो भोली होती है वो रेडी हो जाती है किस चीज़ के लिए, वेडिंग के लिए। अब जब शादी होने जाती है तो क्या होता है, भोली अगेंस्ट हर राइट्स, वो अपने राइट्स के लिए क्या बोलते हैं, देखो, व्हेन वेडिंग वाज अबाउट टू टेक प्लेस, जब उसकी शादी हो रही होती है, होने जा रही होती है, विशंबर डिमांड 5,000 रुपी टू मैरी अस डोरी, जब इसकी शादी होने वाली होती है उससे पहले, तब तो ये डिमांड नहीं करता कि भैया ये दहेज लेगा, लेकिन जब उसकी शादी होने वाली होती है तभी वो अचानक से क्या कर देता है, डिमांड कर देता है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए दहेज के रूप में, तभी वो क्या करेगा, भोली से शादी करेगा। और उसने ये डिमांड क्यों की थी, जब वो शादी के दिन किसको देखा, भोली को देखा, तो देखा बिकॉज भोली हैड पॉक मार्क, कि उसके चेहरे पर क्या है, दाग धब्बे हैं, इसलिए उसने क्या कर दिया, डोरी मांग ली, दहेज मांग लिया। रामलाल गिव्स रुपीज विथ टीयर्स इन आईज, वेरी अफ्रेड एंड ह्यूमिलेटेड,
रामलाल ने कैसे भी कर करके उसे पैसे दिए 5,000 रुपए, और उसके आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे और ह्यूमिलेटेड था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था। बिसम्बर प्रोसीड टू गार्लैंड भोली, बट भोली थ्रोस द गार्लैंड। और जब पैसे मिल जाते हैं तो बिसम्बर क्या करता है कि जो वरमाला होता है उसको डालता है किसके, भोली के गले में, लेकिन तभी भोली उस वरमाला को पकड़ के फेंक देती है, यानी कि गार्लैंड को क्यों फेंक देती है। भोली आस्क फादर टू टेक बैक मनी, वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि फादर आप क्या करो, जो पैसे दिए हैं इसको एज अ डोरी यानी कि दहेज के रूप में वो वापस ले लो। क्यों? रिफ्यूजिस टू नॉट मैरी दी ग्रीड कावर्ड, यानी कि इस लालची इस इंसान से मुझे क्या नहीं करनी, शादी नहीं करनी। गेस्ट गो सबे, और जितने भी शादी में जो भी गेस्ट आए हुए थे वो भी अपने अपने घर चले गए थे। भोली सैड आई विल वर्क एज टीचर एंड सर्व द लाइफ हर पेरेंट्स। और जब उसके पेरेंट्स, जब रामलाल बोलता है कि अगर तुमने ये शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तो भोली क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं टीचर बन के अपने स्कूल में पढ़ाऊँगी और जो अपने आपकी सेवा करूँगी पूरी ज़िंदगी भर। कौन बोलती है? भोली। हर एजुकेशन चेंज हर आउटलुक, यानी कि जो उसकी चेंजेस थे किसकी वजह से थी, उसकी एजुकेशन की वजह से, उसकी टीचर की वजह से, उसी ने उसका जो आउटकम है वो चेंज किया था अपने लाइफ को लेकर के, कि मतलब क्या सही है क्या गलत। इसलिए बताते हैं हर एजुकेशन चेंज हर आउटलुक।